प्रश्नावली 3.5 का चौथे प्रश्न का चौथा भाग है ये। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि ये कारें विपरीत दिशा में आती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये दूरी और चाल और समय से संबंधित प्रश्न है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर हम कह सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब हमें प्रश्न को समझने की बात है क्या। दो स्थान है ए तथा बी। ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। पहली स्थिति क्या है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। 100 किलोमीटर बीच की दूरी है, ये दूरी मान लो 100 किलोमीटर। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, अर्थात ये ऐसे चलेगी और ये भी ऐसे ही चलेगी, एक ही दिशा में चलती है भिन्न भिन्न चालों से। तो मान लेते हैं कार ए की जो पहली कार है वह ए स्थान से x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और स्थान बी से जो कार चल रही है वो चल रही है y किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। अब क्योंकि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही हैं तो वो 5 घंटे पश्चात मिल रही हैं, 5 घंटे बाद। इसका अर्थ हुआ कि 5 घंटे समय हो गया। तो कार ए द्वारा जो कार स्थान ए से जो कार चली उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, चाल इसकी हमारे पास x किलोमीटर प्रति आर है, प्रति घंटा, और समय 5 घंटे है। तो पहली कार जो है, कार ए बोल सकते हैं उसको, कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी वो हो जाएगी अपनी x, तो इसकी चाल है और समय है 5, तो 5 गुणा ये हो जाएगा x, तो 5x किलोमीटर। इसी प्रकार कार बी द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, कार बी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा 5 घंटे, तो चाल आ गई y गुणा 5, तो 5y किलोमीटर। ये स्थिति एक है, ये स्थिति एक जब दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है। तो अब इस स्थिति में हम क्या देखेंगे कि जो तय की गई दूरी है वो 100 किलोमीटर है, तो एक राज में एक स्थान पर एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिली, तो इसका मतलब दोनों द्वारा तय की गई दूरी जो हो जाएगी 100 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 5y बराबर 100 किलोमीटर, ये एक ही दिशा में। ठीक है, इसको हल करेंगे, 5 गुणा हो रहा है, इधर भी 5 गुणा, ये भी 100, 5 से विभाजित हो जाएगा, तो 5 बाहर ले लिया, 100 5 भाग में चला गया, तो x माइनस y बराबर 100/5, ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो ये समीकरण आ गई x माइनस y बराबर 20, ये समीकरण एक हो जाएगी। दूसरी शर्त क्या है कि यदि ये कारें विपरीत दिशा में आती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं।
विपरीत दिशा का अर्थ हुआ कि अब कार जो है ए से यहाँ निकल रही है और बी से इस तरफ आ रही है, तो ए से ऐसे चलेगी और बी से ऐसे, तो इसका अर्थ हुआ विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में कार ए ऐसे चलेगी और कार बी ऐसे चलेगी। इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक घंटे पश्चात वो मिल रही है, एक घंटे पश्चात मिलती है। तो एक घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी, कार ए द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी, वो हो जाएगी x गुणा एक, तो x किलोमीटर। इसी प्रकार कार बी द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी y गुणा एक, तो y किलोमीटर। अब क्योंकि कार विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनके जो वेग होंगे वो जुड़ जाएंगे, अर्थात स्थिति दो है, ये स्थिति नंबर दो है विपरीत दिशा में, ठीक है। तो उनके वेग जुड़ने का अर्थ हुआ कि उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी हो जाएगी x प्लस y। पहले हमने माइनस किया था क्योंकि a की दिशा में थी, अब ये विपरीत दिशा में, तो दूरी x प्लस y हो जाएगी और ये बराबर 100 किलोमीटर हो जाएगी। ये समीकरण दो, समीकरण एक और दो को हल कर सकते हैं और x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इनको हल कीजिएगा आप। अगला प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाई दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब आयत की विमाएँ हमारे पास अज्ञात राशियाँ हैं, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम आयत की लंबाई मान लेते हैं x और चौड़ाई मान लेते हैं y, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल को यदि मैं a से लिखूं, a फॉर एरिया, तो ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब ये प्रश्न में क्या कह रहा है, वापस से देखें, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो गया, इसका अर्थ है कि एक्स वाई में से 9 घटाना है, एक्स वाई आयत का क्षेत्रफल है तो ये 9 इकाई कम हो गया, तो एक्स वाई माइनस 9 बराबर, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी, लंबाई कम की, लंबाई x है तो 5 इकाई कम करी तो x माइनस 5, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी, तो चौड़ाई को बढ़ा दिया 3 इकाई, तो y प्लस 3। अब क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हमारी समीकरण एक बन गई, ठीक है। इसको हल करते हैं तो ये जगह एक्स वाई माइनस का 9, ये गुणा होगा x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15, ये एक्स वाई प्लस का है और यहाँ पे प्लस का तो कट गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 बराबर माइनस 9 गया दाएं पक्ष में, 3x माइनस 5y प्लस 15 प्लस 9, या फिर 3x माइनस 5y प्लस 15 और 9 24 बराबर 0, ये समीकरण आ गई। अब दूसरी स्थिति क्या है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल
67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल बढ़ गया। तो इसका अर्थ है एक्स वाई प्लस 67। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया, तो लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया। इसको भी हल करेंगे, एक्स वाई प्लस 67, ये हो गया एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस 6। एक्स वाई एक्स वाई कट गया, हो जाएगा 0 = 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस का 67। तो ये समीकरण आ जाएगी 2x प्लस 3y माइनस का 61 = 0। ये दोनों समीकरण को किसी विधि से हल कर लेंगे, x y के मान आ जाएंगे। ठीक है।